तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, नारी शक्ति ऐप के अंदर एक नया अपडेट आया है और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसके अंदर अपडेट कब आएगा। तो दोस्तों, फाइनली इसका अपडेट आ चुका है। इसके अंदर से आप जो भी अपना जो आपने फॉर्म भरा है उसको एडिट कर सकते हैं। तो कैसे एडिट करना है दोस्तों, सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो आप इस ऐप को खोलेंगे इस तरह से, तो आपने केलीला अर्ज इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जहां पर भी आपने वो अर्ज भरा है तो उसको उस पर हमको क्लिक कर देना है, ठीक है। हम इस पर जाते हैं, केलीला अर्ज पर हम क्लिक करते हैं, तो यहां पर हमारा कुछ इस तरह से खुलकर आ रहा है। तो हमको यहां पे फिर से इस बार इस पर टाइप कर रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर थोड़ा गौर से देखिएगा आप, यहां पर से आपने पूरा आपका फॉर्म आ जाएगा जिस तरह से आपने फॉर्म भरा है, ठीक है। नीचे की तरफ हम ढकेलेंगे इसको, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी अर्ज किया है वो सारा कुछ आ जाएगा यहाँ पर। तो ऊपर में अब हम कुछ को एडिट करना है, जो कुछ भी हमारी त्रुटि, जो कुछ भी हमारी गलती हुई है उसको हम कैसे सुधारेंगे। तो यहाँ पे इसको ऊपर में देखिएगा आप, यहाँ पर मैं SMS वेरिफिकेशन डन बता रहा है और उसके बाजू में एक एडिट का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नीले में आप देखेंगे दोस्तों, ये देखिए, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना इन पेंडिंग टू सबमिटेड, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे इसको सबमिट तो हमारा फॉर्म हो चुका है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर एडिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ इसको, तो देखिए क्या आता है यहाँ पर। ये देखिए, भरलेला अर्ज मजे फक्त एकज बदल करता ये। देखिए दोस्तों, अभी ने यहाँ पे एक नवी आर्ट लगा दी है कि एक कुछ भी एक ही हम यहाँ से एडिट कर सकेंगे, ठीक है। तो आप जो भी आपने इसमें गलत किया है, आपने अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर या फिर अकाउंट नंबर, जो कुछ भी आपने गलत किया है उसको ही आप सिर्फ यहाँ पर दिखा रहा है कि एक ही आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे गलती तो कुछ भी नहीं की हुई है, लेकिन आपको बताने के लिए मैं आपको ये फॉर्म खोल कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। गलती तो हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं की है, हमने मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, टोटली सब कुछ यहाँ पर से सही कर डाला हुआ है। बैंक सर्विस यहाँ पर देखिए, हमारे आधार कार्ड का भी आ चुका है, ठीक है। ये हमारा आधार कार्ड, ये राशन कार्ड, ये सारे के सारे फोटो वगैरह सब कुछ आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। जो हमने बैंक के पासबुक के हामी पत्र वगैरह सब कुछ अपलोड किया था, जो बग आया था इसके अंदर, वो अभी बग खत्म हो चुका है, ठीक है। हमने तो यहाँ पे अभी इतना सब कुछ सही से अपलोड किया हुआ है, इसके लिए हमको अभी टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने अभी तक इसको सही से फॉर्म नहीं भरा है, तो ये उनके लिए है, ठीक है। इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके कि ये इस तरह से इसका अंदर एडिट आ चुका है। यहाँ से आप इसको, अगर आपने ये गलत भरा है या फिर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया, तो यहाँ पे बाजू में डिलीट का निशान आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से उसको वो डिलीट हो जाएगा और फिर से वहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ।